मुझे कोई सवाल नहीं करना, कोई सवाल नहीं करना, सामने देखना है केवल, ठीक है? इधर आ, सिर्फ सामने देखना है, किसी और को नहीं देखना, इधर उधर आगे पीछे कुछ भी नहीं। नहीं भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ सवाल नहीं, कुछ नो खोल रही होगी, 3-2-1 एंड यू वोंट आस्क एनी क्वेश्चन एंड जब तक नहीं बोले तब तक ना राइट में देखना है ना लेफ्ट में देखना है, ओके? सिर्फ सीधा देखना है, ओनली सीधा, ना आजू बाजू ना कुछ भी नहीं। अगर कोई दिखे नो रिएक्शन, ओनली लुक, जस्ट लुक स्ट्रेट, ओके? 3-2-1 हेलो। अरे सूरज क्या हो गया, इतना शौक, अरे इतना कंफ्यूज क्यों है? अच्छा तुझे तो इवेंट में आना था पर पट्टी बांध के तुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं भी कंफ्यूज होती यार, पर तू कहता है ना ट्रस्ट द प्रोसेस, तो आज के दिन कुछ ऐसा ही होने वाला है कि तुझे ये दिन जिंदगी भर याद रहेगा। आई नो तू क्या सोच रहा है, ना तेरा बर्थडे है ना कुछ और है, तो फिर आज ऐसा सेटअप क्यों है, ये पट्टी लगा के क्यों लाए हैं? तो आज मैं तुझे और इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो शायद तुझे भी तेरे बारे में नहीं पता। तो अपनी मेमोरी को थोड़ा रिवाइंड करो और जाओ 9 साल पहले, क्योंकि हम तभी मिले थे। धीरे धीरे बात करते करते तूने मुझे अपने बड़े बड़े ड्रीम्स के बारे में बताया था, याद है? उन सभी ड्रीम्स में से सारे ड्रीम्स तो एक एक करके पूरा कर रहा है। तूने अपनी मम्मी के लिए घर बनाया, तो अपने घर वालों को वो लाइफस्टाइल दे रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। यू आर अ गुड सन, एंड नॉट जस्ट दैट, तूने मेरी लाइफ भी इतनी चेंज की, मेरे घर वालों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने में मेरी बहुत हेल्प की। कहां मैं एक मीडियोकर लाइफ जीना चाहती थी और तूने मुझे आज यहां इस मुकाम पर खड़ा किया है जहां मुझे प्यार करने वाले इतने लोग हैं और मेरी लाइफ में एट दिस मोमेंट किसी चीज की कमी नहीं है। अब चलते हैं 4-5 साल आगे, जब हमने YouTube का करियर स्टार्ट किया। अब मुझे याद है YouTube स्टार्ट करते वक्त ना तेरे पास पैसे थे ना मेरे पास पैसे थे, हम लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर ये चीज चालू की थी। और मुझे याद है दोपहर के 3-4 बजे की कड़क धूप में भी हम स्कूटी पे जाते थे कंटेंट शूट करने के लिए। तुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, उस धूप में तेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी, कभी कभी तो स्कूटी भी नहीं होती थी, फिर भी तू अपने घर से मेरे घर तक पैदल आता था सिर्फ मुझे फोन देने के लिए ताकि मैं कंटेंट शूट कर पाऊँ। लेकिन हमारी सुयश फैमिली ने स्टार्टिंग से हमें इतना प्यार दिया कि हमने धीरे धीरे करके एक एक कदम लेके अपने ड्रीम्स पूरे करने चालू किया। अब मुझे याद है पहली गाड़ी जब तूने ली थी किया, हमारी किया सेल्टोस, तब तेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब डाउन पेमेंट के टाइम तेरे पास पैसा नहीं है, किश्तों का कुछ पता नहीं है, बट तूने कहा नहीं मुझे कॉन्टेंट बनाना है, मुझे अच्छे ब्लॉग्स बनाने हैं, मुझे मेरी ऑडियंस को अच्छे से अच्छा काम करके दिखाना है, तो मैं तो देखा जाएगा बस ले लेता हूँ। एंड आई वाज लाइक तू कैसे करेगा, मैं उस वक्त तुझसे ऐसे क्वेश्चन कर रही थी, एंड यू वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट यू नो योर वर्क कि तूने मुझे भी कन्विंस कर लिया। और ऐसे करते करते कब सुयश फैशन चालू हो गया, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम, मुझे अपने लिए क्लोथिंग ब्रांड चाहिए था, तूने वो भी मुझे सेटअप करके दिया, एकदम से तूने बोला और सब कुछ हो गया, मतलब यू वर लाइक अ मैजिशियन इन आवर लाइफ। सबके सपने पूरे करते करते तू अपना सबसे बड़ा सपना जो तूने मुझे 9th क्लास में बताया था, मुझे अभी भी याद है, वो सपना आज भी अधूरा है और मैं उसे भूली नहीं हूँ। मैं थोड़ी इमोशनल बातें करने वाली हूँ, सो यू बेटर बी रेडी। तो मैं आज तुझे थैंक यू बोलना चाहती हूँ, स्टैमरिंग, मैं तुझे थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर मी, फॉर एवरीवन इन माय फैमिली, फॉर योर फैमिली। शायद ये भी चीज मैं तुझे सामने से नहीं बोल पाऊँ, बट आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू। Okay, this video is getting tough. So yes, I want to thank you for everything that you've done for me and for my family. I know tujhe, you don't like credits, but मैं तुझे credit देना चाहती हूँ। If you were not there in my life, मुझे लगता नहीं है कि शायद मैं ये सब अकेले कर पाती। And okay, we have to stop this now. Yeah, मैं ये सब कभी अकेले नहीं कर पाती, कोई भी नहीं कर पाता। You were that pillar in my life जिसने मुझे हमेशा support किया है, मुझे बताया क्या सही है क्या नहीं है, किस वक्त कैसे डिसीजंस लेने हैं, मेरे सारे डिसीजंस तूने लिए हमेशा मेरे लिए, मैं नहीं ले पाती थी। एंड उनकी वजह से अपने आप को तूने हमेशा पीछे रखा, मुझे हर चीज़ में आगे रखा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और शायद ये सब हो पा रहा है। सो दिस इज़ माई वे ऑफ थैंकिंग यू, एंड आई वॉन्ट कि ऐसे ही तेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो। Oh.
मैं बस चाहती हूँ तेरे ऐसे ड्रीम्स पूरे हों एंड हम सब उसका पार्ट हों. सो यस, नाउ इज द टाइम, टर्न अराउंड, योर ड्रीम इज वेटिंग फॉर यू. ओके नाउ वेट, ओके नाउ वेट, नाउ यू हैव टू टर्न अराउंड. कुछ है जो तेरा वेट कर रहा है, ठीक है? आर यू रेडी? यू आर रेडी? कम ऑन, कम ऑन, करे टर्न, करे. आर वी रेडी गाइस? क्या हो रहा है यार ये सब? अभी पता चलेगा, पता चलेगा. कुछ बोलना है? इतनी लाइट है और इतना सब करना चाहिए, तुम्हें अजीब सा लग रहा है बहुत. तू बता तुझे क्या लग रहा है? पता नहीं क्या करना चाह रही है तू, मैं तो इसके लिए रेडी नहीं था. अभी आँख खोल के आसपास देख सकता हूँ? अभी नहीं देख सकता. अब तेरे बिना हमारे काम नहीं होता ना, इसलिए एग्जीक्यूशन इतना खराब है. ठीक है, मैं 3-2-1 बोलूंगी. नहीं, अब तो टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट, ऐसे उल्टा, ऐसे इधर से. ओके, 3-2-1. डोंट ओपन योर आईज अभी. अच्छा, या अभी ओपन योर आईज. सारे अभिषेक, इधर 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 इधर